मुझे पता है आप क्या पूछोगे। हाउ आर यू? गुड इवनिंग, हैप्पी टू सी एवरीबडी आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। जी मैंने बस सोचा क्यों नहीं, ये ब्लू तो है यहाँ पे कहीं, उसके लिए मैचिंग के लिए। ओह सी बट ब्लू लुक्स नाइस अगेंस्ट रेड ना। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी फन। लक्स इज सिनोनिमस विद ब्यूटी एंड उसके लिए एक अवार्ड किया जा रहा है एंड टू अवार्ड आइकॉनिक बॉलीवुड ब्यूटीज कैरेक्टर्स एट्सेट्रा। आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया एंड आई एम हैप्पी टू बी हियर टुडे। आई एम ऑल्सो परफॉर्मिंग सो दैट्स गोइंग टू बी फन। या एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द अदर परफॉर्मेंसेस। क्यों? अरे क्या अभी हवा चल रही है, क्या हो सकता है उसका? कुछ नहीं हो सकता, उसका कोई उपाय नहीं है। You know, I'm not so worried about myself because I have a card, a credit card, I mean and a debit card. But I know that there are a lot of people who don't. And I think people who rely on, you know, money every day, vegetable vendors, house help, etc. I think it's really hard for them. मैंने जो भी अपने पास था सब बांट दिया है actually, और मैं अभी कार्ड से गुजारा कर रही हूँ, विच इज़ वॉट आई थिंक एवरीबडी वॉन्ट्स। बट एटलीस्ट आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड वट एवर आई हैड बिकॉज आई कुडंट बेयर टू सी एवरीबडी लुकिंग सो स्ट्रेस्ड आउट अराउंड मी। सो या जी नहीं, लाइक आई सेड मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बट आई नो कि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और बहुत सारे लोग हैं एंड स्पेशली इन स्मॉल टाउन्स इन विलेजेस आई एम श्योर उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। आई एम वॉचिंग द लाइन्स आउटसाइड, आई नो द मूव इज़ वेरी गुड एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर कंट्री, देर इज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डू, बट आई नो दैट अ लॉट ऑफ पीपल आर फेसिंग अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी, सो आई एम ट्राइंग टू हेल्प एज मच एज आई कैन और आई ओनली हैव। मतलब आई थिंक जस्ट टू वॉच देम एंड हाउ दे सॉर्ट ऑफ लिव लाइफ विद सो मच कॉन्फिडेंस एंड सो मच लव एंड जस्ट एक यू नो दिस लव फॉर लाइफ दैट दे हैव एंड आई थिंक इट्स वेरी एडमिरेबल। मैं उनको क्या बोलूँगी, आई एक्चुअली एम इंस्पायर्ड बाई देम एंड हाउ दे लीड देयर लाइव्स एंड ऑल्सो द पीपल हु डू स्टफ लाइक दिस। आई डोंट इवन नो, आई कांट इवन इमेजिन दैट इन दिस डे एंड एज दीज थिंग्स आर स्टिल हैपनिंग। इट्स द मोस्ट डिसगस्टिंग थिंग। वो लोग जो गांव देहात में रहते हैं उनको यकीनन बहुत परेशानी हो रही है जब पैसों की बात करते हैं, जिस तरह के मामले करते हैं। एक्चुअली यू नो मेरे को इस पर इस सब पे कॉमेंट नहीं करना है बिकॉज द थिंग इज़ मैं जो भी बोलूँगी एनी वे वो चेंज नहीं होगा। आई थिंक वट वी शुड डू नाउ इज़ टू ट्राई एंड सी हाउ वी कैन हेल्प द पीपल अराउंड अस। आई थिंक दैट इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, वट इज़ डन इज़ डन। आई थिंक मूविंग फॉरवर्ड वी हैव टू सी वट स्टेप्स वी कैन टेक टू ईज एवरीबडीज प्रॉब्लम्स। एंड जैसे मैंने बोला, मुझे और आई थिंक बहुत सारे जो जिन लोगों को मैं जानती हूँ मे बी उनको प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बट आई नो देर लॉट ऑफ पीपल इन माई लाइफ जिनको हो रही है। तो हम इफ ईच ऑफ आस हेल्प्स आई थिंक इट विल टाइड ओवर दिस टाइम एंड देन इट विल बी बैक टू नॉर्मल। हाँ हेक्टिक सवाल। हाँ जी बता दूँ, बता सकती हूँ। अच्छा नहीं ना, आई डोंट नो, सी देन एल्स कॉल्ड मी। अरे भाई पहले बताया,
Okay, I'll tell you this much, that the performance that I'm doing is like, it's a big privilege to do it, because I think every girl, especially a dancer, dreams of doing songs like that. Aajkal aise gaane bante nahi hai. Aajkal itne beautiful log hote bhi nahi hai. I don't know what it is about the people of that time. They were so stunning. They are timelessly beautiful. To emulate them, to do their songs, to perform to their songs, to, it's like a way, you know, of respecting them and to sort of keep them alive in our hearts forever. And it's very special, very tough, but very special. So I'm going to leave it at that. I'm not going to tell you what exactly I'm doing, but it's obviously retro and very exciting and tough. Okay, you'll be performing on Shri Devi's number, Madhuri Dixit's number, or Zinat Aman's number. I think बहुत मायने रखता है अगर अवार्ड असली अवार्ड हो. Oh God, I'm gonna get into trouble. नहीं, awards are very very important, because you know they give you encouragement to keep doing the work that you do, and I think for actors, love and appreciation for any artist, especially a performing artist, जो love और appreciation मिलता है, that you know gives you that thing to acha main aur I want to do more and to keep like pushing your boundaries, to keep bettering yourself, to keep challenging yourself. Yeah, I think that's what it is. Ab main bhagu ha, okay, ha, please, thanks. Main bhagu ab main sara answer kar diya hai almost. क्या बोलूं मैं, गुड इवनिंग. Well, it's extremely honored to be a part of this brand, and it's a lovely experience working with all those beautiful ladies, and of course with Shahrukh too. Well, it's very very difficult to mention one person, because I feel all of them are beautiful, very talented, and that's it. Shahrukh Khan was part of, like, he's the only actor who has been part of the brand as a precisely works for women, for women. Yeah, of course, I remember. Had done the, one hired the part. Yeah, I remember that. Would you like to share the memories? Well, the ad itself, it's a beautiful memory to remember. It's something very different and very very different from other ads. So we really enjoyed shooting for that. And that's it. Taking the legacy of Lux and what you have been carrying for so long, for all these years, among the upcoming actors. There are many more to come, and of course there, as I said before, I can't just name one person. They're all of them are beautiful. Even then, if you would like to take some questions. Thank you. Thank you. Hello. Kaise hai? I'm always happy. It's always a happy evening for me. Oh, thank you.
Yeah, I don't know. I'm just in love with the. It's a bloody red, and I think rose petals, Lux rose petals, red. It's all in sync. What will be the legacy of Lux? Oh, maybe, maybe. Yes, I have finally. Yes, I did. I had a bad bout actually of a neck injury after I got out of Jhalak and then got into malaria. So I'm feeling fit, healthy, and very, very good. Thodi si thi because us time pe aisa sa, maybe it was setting in that time, but yeah. एक नाम नहीं है आई थिंक हर वो एक्टर हर एक फीमेल एक्टर जिन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग किरदार निभाए हैं नॉट जस्ट ऑन स्क्रीन लेकिन ऑफ स्क्रीन सोसाइटी में हम अपनी तरफ से कुछ ना कुछ छोटा कंट्रीब्यूट करते हैं सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन आई थिंक एज वुमेन इज टू बी एबल टू बी आवरसेल्व्स दैट्स द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन वी कैन मेक टू सोसाइटी एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ वुमेन हैव डन दैट in this past year. I will like to name, I'm very proud to actually associate myself with Parched, the film. And I feel very happy ki, starting from Leena to Tanishtha to Radhika, I think all of them, Radhika ki film Phobia aayi thi. So I just feel very, very happy, you know, that women are coming out and doing this kind of work. So mere liye ye bahut bahut badi baat hai ki main aisi film ke saath aur aise logo ke saath jud paayi. जी सॉरी आई थिंक उनके लिए क्योंकि वो बहुत उस चीज़ को सरमाउंट करके खुद एक अपनी उसी इंडिविजुअलिटी के साथ बाहर आए हैं ये हमारे लिए बहुत इंस्पायरिंग बात है तो आई थिंक हमको अपनी छोटी छोटी डे टू डे चीज़ों में जहाँ पे हम लोग इनसिक्योर फील करते हैं टू कम आउट इन द ओपन एज हु वी आर एंड इन आवर ओन सर्कमस्टेंसेस आई थिंक वी नीड टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम देम फॉर बीइंग एबल टू कम आउट लाइक दैट प्रॉब्लम सब खत्म है देयर इज पीस एवरीवेयर इवन इफ यू हैव द मनी यू कांट स्पेंड इट इससे रेस्ट एंड पीस की बात क्या हो सकती है I think in the long run, yes, definitely, and I'm all for supporting this. I think there's a lot lying in dumps, and it's a cleanliness drive. Jaise Swachh Bharat actually ab Swachh hoga. So yes, definitely, yes. बहुत बहुत मायने रखता है हम लोग अपने लिए और अपने अपने से ज़्यादा अपने ऑडियंसिस के लिए अपने व्यूअर्स के लिए काम करते हैं और एक उस चीज़ का वैलिडेशन अप्रिसिएशन रिकग्निशन और एक्नॉलेजमेंट बहुत बहुत ज़रूरी होता है तो आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड हु डजंट लाइक टू बैग अवार्ड्स या मैंने अभी एक्चुअली कुछ साइन नहीं किया आफ्टर पार्च्ड बट एज एंड व्हेन आई साइन I think I have मैंने खुद पे अपने आप पे बहुत प्रेशर डाल लिया है एक्चुअली टू बी एबल टू मीट माई ओन स्टैंडर्ड्स टू बी एबल टू बहुत प्रेशर है यार यहाँ पे सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट द प्रेशर जो मैं अपने आप खुद फील करती हूँ जो मैं डील कर रही हूँ कि मैं अपने आप पे बहुत प्रेशर डाली और मुझे इतना नहीं सोचना चाहिए बट yeah it's easier said than done maybe I feel the pressure brings out the best in me and I will be able to pick up the right project very very soon in the coming future and aap sabko pata lag jayega ji coming to you now I'm open to all kinds of roles I don't want to put myself in a box aur main ek kalakar ke liye actually sahi maane mein har tarike ka kirdaar अपनी पिछले किरदार या पिछले काम से हटकर कुछ अलग करना आई थिंक दैट्स व्हाट एन आर्टिस्ट इज मेड ऑफ एंड शुड बी व्यूड लाइक दैट सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थैंक यू सॉरी हाँ अभी के लिए ना इट्स टू मच ना ओके गाइस सो आई एम टेकिंग अ ब्रेक अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम यू वांट मी टू कम अवे फ्रॉम द पोडियम एंड गिव इट Thank you.
Thank you so much.